हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशवाहा प्रॉपर्टी। गेट देख के आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि हम आज आपको दिखाने वाले हैं त्रिलोक अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट, जो कि आगे की तरफ विकल्प सेंट एंड्रयूज अपार्टमेंट तथा ठीक सामने की तरफ फ्रेंड अपार्टमेंट और आगे नीलकंठ अपार्टमेंट के साथ की बनी हुई सोसाइटी है। सोसाइटी कंपाउंड के अंदर ही मंदिर के साथ ही सोसाइटी के अंदर पार्क, पार्किंग की कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। नियर बाई यदि लोकलिटी की बात करी जाए तो कोई लोकल कॉलोनी टच नहीं करती है। जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत अच्छा है। आपको इस एरिया में ग्रीनरी बहुत अच्छी मिलने वाली है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसकी सोसाइटी के बैक साइड में प्रॉपर ग्रीन बेल्ट तथा रेलवे ट्रैक है। सोसाइटी त्रिलोक अपार्टमेंट और प्रीत विहार के बीच से रेलवे ट्रैक निकलता है। यहाँ का जो बैकड्रॉ है, सिर्फ और सिर्फ एक यही बैकड्रॉ है, जिसकी वजह से हमें रेटों में भी अच्छा खासा 35-40% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। हम आपको दिखाने वाले हैं एक 3 बेडरूम 3 टॉयलेट का डुप्लेक्स, जो कि सीढ़ियों से सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर ऊपर आप छत यूज कर सकते हैं। फ्लैट का जो साइज आएगा लगभग 1150 स्क्वायर फिट, 3 बेडरूम 3 टॉयलेट। मेंटेनेंस की यदि हम बात करें तो मेंटेनेंस अपने को यहाँ देना पड़ेगा लगभग 2000 रुपये। कार पार्किंग की बात करें तो एक गाड़ी की पार्किंग, साथ ही यदि आपको सेकंड कार पार्क करनी है तो सोसाइटी से कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके आप परमिशन ले सकते हैं। जैसे ही हम एंट्री करते ही हम हॉल में जाते हैं। हॉल के साथ ही अपने को छोटी बालकनी मिलती है। बालकनी से जो डायरेक्शन आती है साउथ की आती है, तो यहाँ पर भी अपने को ठीक ठीक सी दोपहर के टाइम पे धूप मिलती है। घर का जो मेन दरवाज़ा था, वहाँ से यदि हम एग्ज़िट करेंगे तो प्रॉपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे। लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं जहाँ पर ये सर खड़े हुए थे, ये किचन था। आइए हम आपको पहले बेडरूम में ले चलते हैं। ये बेडरूम हो गया। बेडरूम का जो साइज़ है लगभग 10.5x11 के आसपास का है। एनबोल्ट अलमीरा। सामने की तरफ यदि हम बात करें तो जो ये खिड़की दिख रही है, यहाँ से अपने को पूरा का पूरा जो है ग्रीनरी बेल्ट मिल रहा है। यहाँ से अच्छी खासी दोपहर के बाद की धूप भी मिलती है। अटैच टॉयलेट है। टॉयलेट में आप देख सकते हैं टॉयलेट का सेपरेट एरिया है और जो सीट है वो पीछे की तरफ लगाई गई है। तो यूजेस जो है इस टॉयलेट की बहुत ही अच्छी बन जाती हैं। 3 बेडरूम का ये डुप्लेक्स फ्लैट है। मैं फिर कह रहा हूँ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट का ये डुप्लेक्स फ्लैट है। जैसे आप नीचे से एंट्री करते हैं सेकेंड फ्लोर से, वैसे ही आप इसमें थर्ड फ्लोर से एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज के अंदर यदि हम एक रीजनेबल प्रॉपर्टी परचेज करने की बात करें और अपना बजट 1 करोड़ रुपए के नीचे है, जिसमें भी आपको 3 बेडरूम 3 टॉयलेट का ऑप्शन अगर मिले, तो इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। फ्लैट ओनर बिल्कुल रीजनेबल और यूं कह ले थोड़ा सा बाज़ार से सस्ती डीलों पे, मार्केट रेटों पे अपने को डील मिल रही है। ये डील मात्र 95 लाख रुपए में मिल जाएगी। उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी बार्गेनिंग की गुंजाइश है। यदि आप चाहते हैं कि इस फ्लैट का विजिट किया जाए तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, स्क्रीन में भी नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमने ये दिखाया आपको थर्ड फ्लोर के का जो एरिया है, एंट्री करते ही हॉल, अटैच टॉयलेट बाथरूम, किचन, बालकनी तथा सीढ़ियों से हम ऊपर की तरफ अब चल रहे हैं। ये हम आ गए थर्ड फ्लोर पे, सेकंड से थर्ड फ्लोर पे। ये अपने को लॉबी मिलती है। लॉबी के साथ है बड़ी बालकनी। बालकनी जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पर किचन और बालकनी को मिला के ये इतनी जगह यहाँ बनती है। आप जैसे ही हम एंट्री करते हैं जीने से आगे, उस एरिया को आप हटा के एक ओपन हॉल जैसा भी बना सकते हैं। सामने की तरफ बालकनी में ही स्टोरेज की अच्छी खासी जगह, और ये जो बड़ी बालकनी है, बालकनी की जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर साउथ की तरफ है। और इसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि सुबह की थोड़ी देर के बाद से लेके शाम तक की पूरी धूप होती है, क्योंकि हम सेकेंड फ्लोर हैं और सामने देख रहे होंगे वो इसी ब्लॉक का आगे की तरफ की जो टावर हैं उनकी छत यहाँ से दिख रही है। ये जस्ट वही जो नीचे हमने रूम देखा था, उस रूम के जस्ट ऊपर का रूम है। सामने की तरफ एनबेल्ट अलमीरा, ग्रीन बेल्ट जो हमें नीचे की तरफ मिल रही थी वो ग्रीन बेल्ट, साथ में अटैच टॉयलेट बाथरूम,
हमने अभी तक देखा ड्राइंग रूम, किचन, बालकनी, अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ नीचे का एक फ्लैट। हम जब ऊपर आए तो ऊपर आने के बाद हमने देखा बालकनी, कॉमन एरिया तथा सेकेंड बेडरूम विद अटैच टॉयलेट बाथरूम। अब हम चलेंगे तीसरे बेडरूम की तरफ। ये वो सीढ़ियां हैं जिनसे हम ऊपर चढ़ के आए थे। ये हो गया आपका तीसरा बेडरूम, और इस बेडरूम में सेपरेटली आप बाहर से भी एंट्री कर सकते हैं। और ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर तीसरे बेडरूम का प्रोविज़न था जो कि प्रेजेंट ओनर ने अपनी सहूलियत के हिसाब से हटा दिया। ऊपर ये जो बीम दिख रहा है, वहाँ से लेके नीचे की तरफ दीवार डाल के आप तीसरा टॉयलेट बना सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे टॉयलेट था। इस तरीके से हमने आपको दिखाया तीन बेडरूम, तीन टॉयलेट, ड्राइंग डाइनिंग हॉल, नीचे की बालकनी के बाद जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, दो बेडरूम अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ बड़ी बालकनी तथा बाहर जाने का रास्ता। अब हम ऊपर छत के लिए आ गए हैं और ये अपने को मिलती है थर्ड फ्लोर की छत। छत से भी आप अच्छे से छत को यूज कर सकते हैं, और छत से जो अपने को व्यू मिलता है, ये ग्रीन बेल्ट की तरफ का अपना पूरा का पूरा व्यू मिलता है, जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ मैं आपको। और मैंने आपको बताया था क्योंकि हम किसी भी चीज़ को हिडन या बिना बताए हुए नहीं छोड़ते हैं। पीछे की तरफ जो दिख रही हैं बिल्डिंगें, वो प्रीत विहार की कोठियां हैं। ये आप त्रिलोक अपार्टमेंट आईपी एक्सटेंशन में हो, इन दोनों के बीच से रेलवे ट्रैक निकलता है।